अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फिफ्थ डे है आपसे बात करने का, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का। और आज के दिन कोई टॉपिक नहीं है और कोई प्री प्लान्ड टॉपिक नहीं है जिस पे आपसे बात की जाए। सो अभी वीडियो के दरमियान जो फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उस पे अपनी राय कायम करने की कोशिश करूंगा। आज का दिन कैसा गुजरा? आज एक्चुअली ऑफिस, फैमिली टाइम एंड पर्सनल टाइम, दैट इज लाइक हेल्थी एक्टिविटी या पार्क टाइम या वॉक टाइम। और उसमें जो चीज़ मैंने रियलाइज की वो ये कि आप, हमारा जो इनटेक है वो दो तरह का होता है। एक हमारा इनटेक होता है फिजिकल इनटेक, हम खाना खाते हैं। खाना जो हम खाते हैं उसकी बुनियाद पे हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है। और दूसरा इनटेक हमारा होता है इंटेलेक्चुअल इनटेक, मेंटल इनटेक, या हम इसको स्पिरिचुअल इनटेक भी कह सकते हैं। सो इंटेलेक्चुअल इनटेक में क्या होता है, हम जो किताबें पढ़ते हैं, जिन दोस्तों से मिलते हैं, जिन लोगों से बातचीत करते हैं, जो हमारी साइट है, जो हम, हमें नजर आता है, जो हमारे फाइव सेंसेस सेंस करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे माइंड को प्रोसेस करने के लिए देते हैं, उसकी बुनियाद पे एक इन्फॉर्मेशन का इनफ्लो हमारे माइंड में जाता है जिसका इम्पैक्ट हमारे, हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी इंटेलेक्चुअल हेल्थ पे, हमारी जो जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है उस पे होता है, इम्पैक्ट आता है। उसकी बुनियाद पे हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। सो दो तरह की ग्रोथ होगी, एक फिजिकल ग्रोथ हो गई और एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा काम करने की पोजीशन में आ जाएं, तो दोनों पे काम करें, दोनों का ख्याल करें, दोनों की केयर करें कि फिजिकली इनटेक क्या ले रहे हैं हम और इंटेलेक्चुअली क्या इनटेक हम ले रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे जितना स्ट्रांग आपकी स्टेबिलिटी होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, मेंटल स्टेबिलिटी होगी, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को टैप कर पाएंगे। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों तरह के इनटेक को ख्याल करें कि वो सही तरह का इनटेक हम ले रहे हैं। अच्छी किताबें पढ़ने से ऑब्वियसली एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी और अच्छा डिपॉजिट होगा आपकी अपनी डेली लाइफ में, जिसकी मिसाल के तौर पर मैं जितना अच्छा डिपॉजिट अपनी लाइफ में करूंगा, इन्फॉर्मेशन का इनफ्लो होगा, उतनी अच्छी बात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और इवन देन मैं अगर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर भी आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो उसको प्रोसेस करके, रिफाइन करके, अच्छे अल्फाज की शक्ल देके आप तक पहुंचाने के लिए भी मुझे वेज एंड मीन्स चाहिए, जिसके लिए इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज चाहिए होगा, ताकि एक क्रिस्प कंपाइल्ड और एक एक्यूरेट और एक बहुत ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर, और उसका तरीका भी ठीक होना चाहिए। सो आज की बात आपके साथ शेयर की, कल आपके साथ दोबारा इसी टाइम पे एक और वीडियो में बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और वॉक पे जाना मत भूलिएगा, और अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी चाहे फिजिकल हेल्थ है या इंटेलेक्चुअल हेल्थ है, उसको टाइम देना और उसको प्रायोरिटी बनाना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।